हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक विद जीके क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे वेल्डिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल, जो कि पार्ट 7 है। इससे पहले हमने मेटल कास्टिंग के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं और उनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले थे और न्यूमेरिकल बन सकते थे वो हमने देख लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वेल्डिंग से न्यूमेरिकल्स। इसमें हमारा पैटर्न क्या रहेगा, इसमें हम सबसे पहले फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और उस फॉर्मूले बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे, और वो भी हम वर्चुअल कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे, जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कोई परेशानी ना हो। तो वर्चुअल कैलकुलेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वर्चुअल कैलकुलेटर इस तरह से होता है, इसमें हम जो भी बटन है वो हम फिंगर के सहायता से प्रेस करेंगे और वहाँ पे हमें क्या करना होगा, माउस की हेल्प से ये बटन है वो प्रेस करने होंगे, ठीक है। ताकि अभी आप इसका यूज़ सीख जाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं। तो इसमें हमें केवल दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं, तो वो कौन से, एक तो हीट रेजिस्टेंस वेल्डिंग से रिलेटेड है और एक हमारा आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड है। तो हीट रेजिस्टेंस वेल्डिंग से रिलेटेड कौन सा है, जो हीट रेजिस्टेंस वेल्डिंग आप देख सकते हो, ये इक्वल एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। एच क्या है हमारा, हीट जनरेटेड इन जूल है, और आई क्या है हमारा, जो करंट है जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। और आर हमारा रेजिस्टेंस इन ओम है, और टी क्या है हमारा, करंट फ्लो इन सेकंड, ठीक है, मतलब टाइम है कितने सेकंड तक हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके हिसाब से जो हीट जनरेशन हो जाएगी वो आई स्क्वायर आर टी होगी। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, हम प्लस वन प्लस टू से पढ़ते आ रहे हैं। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला नहीं है, आपको मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बेस पे आप इसको याद रख सकते हो। तो देख सकते हो आर्क वेल्डिंग का जो दूसरा फॉर्मूला है, इसमें हमें क्या करना है, पावर सप्लाइड इक्वल टू करनी है पावर रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें पता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इस बेस पे हम देख सकते हैं, जो ये हमारा एक सिंपल सा एक आर्क वेल्डिंग का अपरेटस है, ठीक है। इसमें हम जो ट्रांसफार्मर होता है उस पर हम क्या अप्लाई करते हैं, उस पर हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं और एक करंट सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से जो पावर हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी पी इज इक्वल टू वी इन टू आई, ठीक है। और जो पावर रिक्वायर्ड है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पावर हमें रिक्वायरमेंट होगी कहाँ पे, पहले वो देख लो आप। तो पावर की रिक्वायरमेंट होगी हमें इस एरिया पे, आप देख सकते हो ये हमारा एरिया है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, कुछ वेलोसिटी से हम जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसको मूव करवाएंगे, जैसे कि ये इसकी विड्थ है और यहाँ पे हमने वेल्डिंग कैरी आउट करना है, तो इसमें हम कुछ वी वेलोसिटी से इस इलेक्ट्रोड को हम मूव करवाएंगे और इस एरिया पे हमें वेल्डिंग करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ किस तरह से बना है, ठीक है। पावर सप्लाई हमने लिख दी पी इज इक्वल टू वी आई, और हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ये हमें दी होगी, ठीक है, इसे हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और एरिया ऑफ वेल्डिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे और वेलोसिटी ऑफ वेल्डिंग से भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से जो हीट रिक्वायर्ड है वो हमारी निकल जाएगी। और इसके बाद में हम यूनिट देख लेते हैं, तो सिंपल सा ये बन जाएगा वी आई इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को स्मॉल वी से डिनोट किया, जिससे कि हमें वोल्टेज और इसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या है, स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या है, जूल पर एमएम क्यूब, ठीक है, मतलब मिलीमीटर क्यूब। और एरिया ये भी हमारा हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर, और स्पीड हो जाएगी हमारी मिलीमीटर पर सेकेंड। और इस तरह से जो पावर है वी आई इज इक्वल टू वोट, और इसको लिख देते हैं हम जूल पर सेकेंड। तो इस तरह से आप इसके जो डायमेंशन है वो देखोगे तो आप समझ जाओगे ये फॉर्मूला बना कैसे। तो देख सकते हो ये इसकी यूनिट की हमारी जूल पर सेकंड है, और जो स्पेसिफिक एरिया इसकी है हमारी जूल पर मिलीमीटर क्यूब, और जो एरिया उसकी है मिलीमीटर स्क्वायर, और इनटू वेलोसिटी क्या है मिलीमीटर इनटू सेकंड। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये मिलीमीटर स्क्वायर और ये मिलीमीटर, ये मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा, और इससे ये मिलीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल बनेगी जूल इंटू सेकेंड, और इधर भी क्या हमारी जूल इंटू सेकेंड। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको सिंपली याद हो जाएगा। इसमें एक फंडा और लगता है, अगर हमें एफिशिएंसी दी हो तब क्या करना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर एफिशिएंसी दी होगी तो हमें दो प्रकार की एफिशिएंसी दी होगी, तो कौन सी दी होगी, एक तो दी होगी एफिशिएंसी ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, और दूसरी दी होगी मेल्टिंग एफिशिएंसी। तो इन दोनों को क्या करना है, हमें जो हीट सप्लाइड वाले पोर्शन है उसमें मल्टीप्लाई कर देना सिंपली, ठीक है। ये हमें परसेंटेज में दी होगी, परसेंटेज में मतलब परसेंटेज हटाएंगे, तो सिंपल जैसे मान लो 80% देती, तो इसको हम लिख देंगे 0.8, ठीक है। और इस तरह से
जो मेल्टिंग एफिशिएंसी वो दे दी, तो उसी को हम 0.8 या 0.65 जो भी दिया हो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक एफिशिएंसी दे दी और दूसरी नहीं दी, तो दूसरी नहीं दी उसको हम एक अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। अब सॉल्व करते हैं इस पर बेस्ट जो न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो आपकी स्क्रीन पर है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, पहले इसको खुद सॉल्व करना है, उसके बाद में आपको आंसर देखना है। तो क्या दिया है, अज्यूम दैट द 2 mm थिकनेस स्टील शीट्स आर बीइंग स्पॉट वेल्डेड एट ए करंट ऑफ 5500 एम्पियर एंड करंट फ्लो टाइम टी इज इक्वल टू 0.15 सेकेंड यूजिंग इलेक्ट्रोड 6 mm इन डायमीटर एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटर इन रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। तो हमें क्या निकालनी है, हीट जनरेटर निकालनी है इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो एक सिंपल फॉर्मूला है वो ये लगाना है। तो इसमें जो RC की वैल्यू दी है, मतलब जो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, वो हमें 250 माइक्रो ओम दी है। तो इसको पहले हमने करना है सीधा ओम में कन्वर्ट करना है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें जो दिया है वो हम देख लेते हैं। तो हमें थिकनेस ऑफ शीट दी है 2 mm, इनका हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। और जो I दिया है, मतलब करंट फ्लो दिया है, वो 5500 एम्पियर दिया है, ठीक है। और जो करंट जो रेजिस्टेंस दिया है वो हमें 250 माइक्रो ओम दिया है, और टाइम दिया है 0.15 सेकंड, और डायामीटर ये कुछ इसका कोई फंक्शन नहीं है हमारे पास, इसका कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाना है H=I²RT, और यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो मैं इसको सोल्व करना बता देता हूँ, मतलब ये 10^-6 है ना, इसको थोड़ा सोल्व करना डिफ़िकल्ट है, तो इसको बता देता हूँ मैं किस तरह से सोल्व करना है वर्चुअल कैलकुलेटर में। तो ये वर्चुअल कैलकुलेटर है, इसमें मैं सोल्व करना बताऊँगा। वहाँ पे थी हमारी 55, ठीक है, उसकी स्केयर करनी है। तो स्केयर करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये स्केयर वाला x की स्केयर का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर इसको करोगे तो आप ये आ जाएगा, यहाँ पे e का मतलब है 10^7 जो 7 है, ठीक है। और अब मल्टीप्लाई करना है हमें 250 से, ठीक है, इक्वल टू कर दिया तो ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करना है हमें 10^ रेस्ट टू पावर के लिए हम क्या कौन सा यूज करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। तो 10^ हमें करना है 10^ माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए हम पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर माइनस करेंगे, -6 था तो -6 लगाया, तो ये हमारी 10^-6 हो गई। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करना है हमें 0.15 जो कि हमारा टाइम था, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 1134.375। तो आप देख सकते हो ये हमारा आंसर है। तो इसमें आपसे आंसर देखें तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है, 1134 जूल। तो ये हमारी जो कैलकुलेशंस थी वो भी हो गई। तो ठीक है, इसमें आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी 10^-6 किस तरह से वर्चुअल कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं। तो सिंपल बता दिया मैंने आपको, ये आप कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको देख लेते हैं। तो इसको पढ़ते हैं, पहले क्या दिया हुआ है, ए शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन टेक्स प्लेस ऑन ए स्टील वर्कपीस विद ए स्टील इलेक्ट्रोड विद ए 20 वोल्ट पावर सप्लाई, मतलब जो पावर सप्लाई दी हुई है 20 वोल्ट दी हुई है, और इफ़ ए वेल्ड विद ए ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन का हमें दिया हुआ है विद ए 10 mm लेग लेंथ, और जो लेग लेंथ दी हुई है वो 10 mm दी हुई है, इज टू बी प्रोड्यूस, हमें प्रोड्यूस करना है, मतलब 10 mm लेग प्रोड्यूस करनी है। एस्टिमेट द करंट नीडेड फॉर ए वेल्डिंग, मतलब हमें फाइंड करना है आई, और वेल्डिंग स्पीड दिया 10 mm पर सेकेंड, यूज एंड एफिशिएंसी 80% एंड स्पेसिफिक एनर्जी एज 10.3 जूल पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो पहले डाटा दिया वो देख लेते हैं। तो वोल्टेज दी हुई है 20 वोल्ट, और लेग लेंथ दी हुई है 10 mm, लेग का मतलब होता है इस तरह से जो वेल्डिंग करते हैं तो ये हमारा लेग पोर्शन होता है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ दी हुई है 10 mm दी हुई है, और जो वेलोसिटी है मतलब स्मॉल वी दिया 10 mm पर सेकेंड, और जो एफिशिएंसी दी है मतलब ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी 80% दी हुई है, और स्पेसिफिक एनर्जी दी है 10.3 जूल पर मिलीमीटर क्यूब। तो सिंपल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला मैंने बताया था, जो ट्रांसफर एफिशिएंसी है वो और मेल्टिंग एफिशिएंसी वो इनटू VI इज इक्वल टू स्पेसिफिक एनर्जी एरिया इनटू वेलोसिटी, सब कुछ दिया हुआ है, फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो ट्रांसफर एफिशिएंसी हमें 0.8 दी हुई है, और मेल्टिंग एफिशिएंसी नहीं दी तो मैंने बताया था उसको एक एज्यूम करना है, तो हमने यहाँ पे एक एज्यूम कर लिया।
और वी की वैल्यू दी हुई है, आई हमें फाइंड आउट करना है और स्पेसिफिक की वैल्यू दी हुई है, और जो एरिया वो करेंगे 1/2 × 10 × 10, मतलब जो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, ये होता है 1/2 b × h, मतलब बेस इंटू हाइट। तो इस तरह से जो आएगा वो एरिया आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करने, इसको हमने रख लिया सारी वैल्यू को, अब कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो सिंपल देख लेते हैं, c से सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 10.3 मल्टीप्लाई किससे करना है, 50 × 10 से, 50 × 10। तो ये हो जाएगा। अब डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है हमें 0.8, डिवाइड का 0.8, ठीक है। फिर और डिवाइड किससे करना है, फिर डिवाइड करना है 20 से, तो 20 से, तो ये आ जाएगा 321.875। तो आप देख सकते हो 321.875, तो ये हमारा एम्पियर में आ गया, ठीक है। तो इसके नियर अबाउट वैल्यू कौन सी होगी, वो हो जाएगी 322। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला था उसकी एप्लीकेशन हमने देख ली किस तरह से करनी है, होप है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। द डीसी पावर सोर्स फॉर आर्क वेल्डिंग हैज़ द करेक्टरिस्टिक 3V + I = 240, वेयर वी इक्वल टू वोल्टेज एंड आई इज इक्वल टू करंट इन एम्पियर फॉर मैक्सिमम आर्क पावर एट द इलेक्ट्रोड और वोल्टेज शुड बी सेट एट, मतलब जो पावर हमें क्या करनी है, मैक्सिमम करनी है। तो इसके लिए हमें जो डिग्री में पढ़ा था जो मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट वो लगाना है, ठीक है। तो इसमें दिया क्या, पहले सबसे पहले वो देख लेते हैं। गिवन डाटा हमें एक इक्वेशन दी है, 3V + I = 240, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, फॉर मैक्सिमम आर्क पावर वोल्टेज एट इलेक्ट्रोड, मतलब जो पावर मैक्सिमम करनी है इसलिए हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, किस वोल्टेज पे हमारी जो पावर है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो पावर सबसे पहले होती क्या, पावर होती है P = V × I, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है वोल्टेज, तो वोल्टेज निकालनी है तो I की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो I यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसकी आ जाएगी 240 - 3V। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हम आ जाएगा 240 × V - 3V². अब क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट क्या होता है, तो हमें V के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। dP/dV = 0, इससे क्या होगा, हमारी जो V की वैल्यू आ जाएगी, और V की वैल्यू जो हम पावर में पुट कर देंगे, या V वोल्टेज ही निकालना हमें, तो वोल्टेज निकालना तो सिंपल = 0 करना है बस। पहले डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं किस तरह से करना है। डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, 240 × V दिया हुआ है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सिंपल 240 हो जाएगा, क्योंकि V की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। और माइनस नेक्स्ट कैसे करना है, वी ये जो -3V² दिया है, तो V² जो पावर है वो इसके आगे आ जाएगी और इसके अंदर से पावर एक माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -6V, तो ये आ जाएगा -6V, देख सकते हो यहाँ पे। अब =0 रखना है, =0 रखने के बाद हमें 6V = 240 आ जाएगा, और V = 40 V इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हो इस तरह से हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन गेट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 2007 में आया हुआ था। इस तरह से सिंपल ये क्वेश्चन था, बस इसमें एक कंसेप्ट याद रखना था जो मैक्सिमम मिनिमम का जो बीटेक में हमने पढ़ा था। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 8mm थिक स्टील प्लेट्स आर प्लेस्ड 5mm अपार्ट, मतलब दो 8mm की थिकनेस की प्लेट है, वो हमें 5mm मतलब दूर रखनी है थोड़ी सी, मतलब उनमें गैप है 5mm का, ठीक है। इस तरह से एंड वेल्डेड बाय बट जॉइंट, मतलब बट जॉइंट वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग इज कैरियड आउट एट 20 वोल्ट, मतलब वोल्टेज दी हुई है एंड स्पीड दी है वेल्डिंग की क्या दी हुई है, 5mm/s। हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी दी हुई है, ठीक है। इफ़ द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट स्टील, और जो मतलब जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू दी हुई है, एंड मेल्टिंग एफिशिएंसी दी हुई है, और हमें करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये 2005 गेट प्रोडक्शन का है, तो देख लेते हैं किस तरह से क्या दिया हुआ है। तो देख सकते हो आप इस तरह से, ये हमने पिक्चर फोटो बना ली इसकी, तो देख सकते हो। तो इसमें जो अपार्ट, मतलब इसका मतलब जो 5mm हमें इसका गैप है उसको वेल्डिंग से फिल करना है, और 8mm इसकी थिक है थिकनेस है, तो एरिया फाइंड कर लेंगे इससे। और जो
वोल्टेज दी हुई है, वेलोसिटी सब कुछ ये दिया हुआ, और यहाँ पे मेल्टिंग एफिशिएंसी भी दी है, इसलिए हमें इसको एक एज्यूम नहीं कर सकते, जो कि हमारा फॉर्मूला था। फॉर्मूला वही लगाना है सिंपल, एन टी इंटू एन एम इंटू वी आई इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। जो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया आप देख सकते हो जो थिकनेस हमें दी हुई थी, थिकनेस ये कितनी दी थी 8 mm, और जो गैप कितना फिल करना है, मतलब ये एरिया हमें फिलअप करना है वेल्डिंग से, तो ये एरिया हमारा सिंपल हो जाएगा 8 × 5, तो 40 mm स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको वैल्यू पुट करनी है बस, सिंपल सब कुछ वैल्यू दी है, बस पुट करने के बाद इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो मेरी कैलकुलेटर से आप सिंपली इसको सॉल्व कर लोगे, तो इससे हमारा आई इज इक्वल टू आ जाएगा 200 एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, और इसमें आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, जो मेल्टिंग एफिशिएंसी दी थी तो इसलिए हमें 0.625 इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पाइप्स ऑफ इनर डायमीटर 100 mm एंड आउटर डायमीटर 110 mm ईच आर जॉइंट बाय फ्लैश बट वेल्डिंग यूजिंग 3 volt पावर सप्लाई एट द इंटरफेरेंस, 1 mm ऑफ मटीरियल मेल्ट फ्रॉम ईच पाइप। ठीक है, विच हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 42.4 ohm इफ द यूनिट मेल्ट एनर्जी इज 64.4 megajoule और ये बन जाएगा पर मीटर क्यूब, देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग। तो मतलब हम टाइम निकालना है इसमें, तो इसमें भी सिंपल सा वही निकालना है कॉन्सेप्ट, कौन सा, जो हीट सप्लाइड इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हमें डी इनर डायमीटर दिया हुआ है, डी आउटर डायमीटर दिया हुआ है, और वोल्टेज दी हुई है 30 volt, और मटेरियल मेल्ट फ्रॉम ईच साइड 1 mm दिया हुआ है। ठीक है, ईच साइड से दिया है, मतलब हमें दोनों साइड से करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करना क्या है, और इसमें रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट भी दी हुई है और टाइम हमें फाइंड करना है, तो हीट सप्लाइड इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये कंसेप्ट लगाना है। तो हीट सप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगी, जैसे कि हीट सप्लाई है तो वो हो जाएगी I²RT। ठीक है, जैसे कि हमने हीट रेजिस्टेंस वेल्डिंग में देखा था ना, उसी तरह से यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जो स्पेसिफिक हीट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो सिंपल यही लगाना है, क्योंकि जो अब हमारे हमें हीट चाहिए वो ओनली जूल में चाहिए, पहले हमें जो चाहिए थी वो जूल पर सेकंड में चाहिए थी, इसलिए हम वेलोसिटी से भी मल्टीप्लाई करते थे। तो इसमें वेलोसिटी तो दी नहीं हुई, तो सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि जो आप देख सकते हो ये दी हुई है मेगा जूल पर मीटर क्यूब में दी है, तो मीटर क्यूब को ख़त्म करने के लिए हमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा। अब वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। तो ये सारी वैल्यू है, पर हमें एक कन्फ्यूजन है, हमें आई की वैल्यू दी नहीं हुई, आई की वैल्यू नहीं दी हुई तो क्या होगा, हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, तो I की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और V बाय R रख देंगे, और I की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा V²/R², तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बढ़ जाएगा ओनली एक R, तो V²/R इंटू टाइम इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे आ जाएगा, तो वॉल्यूम आएगा एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया क्या है, तो एरिया आप देख सकते हो, जैसे ये जो पाइप्स थी उसका इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दिया हुआ था, तो उनसे हम निकाल सकते हैं, तो देख सकते हो पाइप 5/4 और आउटर डायमीटर की स्क्वायर माइनस इनर डायमीटर की स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। और जो थिकनेस है, थिकनेस हमें दी थी ईच साइड के लिए, तो ईच साइड के लिए 1 mm दी थी, तो दोनों साइड के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा दिया हुआ था मीटर क्यूब में दिया हुआ था, मेगा जूल पर मीटर क्यूब में दिया था, तो हमें इससे भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। तो इसमें एक तो मीटर स्क्वायर की आ जाएगी, एक तो सॉरी एरिया की आ जाएगी, एरिया की क्या हमारे पास आएगी, mm स्क्वायर आएगी एरिया की, और एक आएगी इसकी थिकनेस की, mm ओनली। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी mm क्यूब। ठीक है, तो हमें पता है 1 meter इज इक्वल टू 10^-3 mm होता है। ठीक है, तो हमें मीटर की क्यूब करनी है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 = 9, मतलब 10^-9। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू हमने कन्वर्ट कर ली मीटर क्यूब में। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप देख सकते हो ये 10^6 है और 10^-9 है, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद ये हमारी 10^-3 ओनली बच जाएगी। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें ये पार्ट सॉल्व कर लेना है। ये पार्ट सॉल्व करने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से आता है। तो यूज़ करते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर से। तो सबसे पहले 110 की स्क्वायर के लिए मैंने बताया था आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। और माइनस करना है 100 की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2100, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना पाई से, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट या तो याद वो लगा दो या सीधा पाई दिया उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई ये हो जाएगा। अब डिवाइड करना 4 से, क्योंकि पाई बाई 4 डी स्क्वायर था ना, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करना 64.4 से, क्योंकि 64.4 दिया हुआ था हमें। मल्टीप्लाई करना हमें जो आप दे सकते हो 2 से, क्योंकि ये हमारा 2 रहा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनटू करना 2 से, तो ये आ जाएगा आपके पास देखो 212434। आप देख सकते हो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या था, वी स्केयर आर था, तो वी स्केयर था वो इसके डिनोमिनेटर में चला गया और आर इसके ऊपर चला गया, तो आर की वैल्यू दी हुई थी वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तब देखते हैं मल्टीप्लाई करना हमें जो आर दिया था 42.4, ठीक है 44, तो इसके वैल्यू ये आ गई। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 10^10 के लिए मैंने बताया था आपको नेगेटिव करने के लिए किस तरह से यूज़ करना है। तो ये लगाना है और फिर ब्रैकेट लगाना है, फिर माइनस लगाना है, फिर 3 करना है, एक ब्रैकेट बंद करना है, ये आ जाएगा। अब डिवाइड करना है इसको हमें 30 की स्क्वायर से, तो सिंपल 30 इसकी स्क्वायर करो, ये आ जाएगा 10.008, मतलब हमारा 10 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है और सिंपली आप आंसर सी लगा दोगे। तो ये थे 5 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और इससे हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मुझे लगता है, और इसके बेस पे जितने भी आपके आगे क्वेश्चन आएंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। बस ये 2 कंसेप्ट, 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। अगर इसका PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो आप बोल देना, मैं आपको उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँगा और आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हो। और अगर इस वीडियो से थोड़ी भी आपको हेल्प मिलती है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हो, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने WhatsApp या जो भी सोशल मीडिया का ग्रुप है उसमें आप इसको शेयर भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।